Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुलग रही है धड़कने, जल रही है सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आंख के, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल अब आप ही हैं पिंकी खाने। जोया के डैड से बात करने की तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप साथ देंगे ना? मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। कौन था वो जिसने आपको अंधे कुएं में कैद कर रखा था? देखिए, आप एक बार मुझे उसका नाम बता दें, मैं उसे गिरेबान से पकड़ के ले आऊंगा आपके पास। काटो काटो। Yeah. This is your house now. Please come. Please, please, please come. Wow, तुम्हारा घर कितना अच्छा है हुमायूं। हाँ बस, मुझसे जितना हो सके मैंने डेकोर किया है, बाकी तुम देख लो, जब आओगी तो खुद ही कर लेना अपनी मर्जी से। That's true actually. कुछ चीजें हैं जो काफी मिसप्लेस हैं, लेकिन डोंट वरी, जब आऊंगी तो सेटिंग खुद कर दूंगी। जब आओगी मतलब? अभी कर लो। अभी? हाँ अभी। Well, अभी फिजिकली तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई कैन गिव यू एन आइडिया इफ यू वांट। सो फॉर स्टार्टर्स, ये जो सोफा यहाँ रखे है, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, डोंट माइंड। इसको हम उस वाले सोफे से मूव कर देंगे, ताकि जब तुम ऑफिस से थके हुए आओ तो यहाँ आराम से बैठे हो और स्ट्रेट मुझे किचन में देख सको, जहाँ मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी बना कर लाऊं, और फिर हम बैठेंगे, बातें करेंगे, थोड़ा सा लड़ भी लेंगे। लड़ेंगे क्यों? एमी? मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा लड़ने का। मैं मौका ढूंढ लूंगी। हाँ वैसे इसमें मुझे कोई शक भी नहीं है। वैसे लड़ना चाहिए, यू नो, जिंदगी में हमेशा की मिठास अच्छी नहीं होती है, जरा मिर्च मसाला होना चाहिए। हाँ। किचन तो सकाओ। ये लो, पिछले साल के कुछ जोड़े थे मेरे पास, तुम्हारे लिए ले आई हूँ। बहुत कम पहने हुए मैंने और फ्री साइज के, तुम्हें फिट आ जाएंगे। जब से आई हो दो जोड़ों में घूम रही हो, अपना ख्याल नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। कितने बड़े बड़े लोग आते हैं इस घर में, क्या सोचेंगे? आपको ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? मेरे पास कपड़े हैं, वो ठीक है। बीबी, नखरा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में ठहरी हुई हो, मेरा खाना खा रही हो, मेरा बेटा ढेर सारी दवाइयां ला रहा है तुम्हारे लिए, अगर मेरे कपड़े पहन लिए तो उस पे क्या मुसीबत आ गई? पहन लो। नहीं, वो ऐसे ही बस बात मुंह से निकल गई। और हाँ, मुझे एक बात तो बताओ, ये मेरे बेटे को क्या पट्टियां पढ़ा रही हो? पूरा एक घंटा तुम्हारे कमरे में गुजार के गया है, कोई गुल मत खिला देना। आप कैसी बातें कर रही है? आज मेरा भाई है। प्लीज, मुझे इन डायलॉग की कोई जरूरत नहीं। अरे, जो लड़कियां अपने घर से भाग जाती हैं बच्चा पेट में लेके, उन पे भरोसा कैसे करे इंसान? मैं एक जवान हसीन बेटे की माँ हूँ, मेरा तो दिमाग दूर दूर तक जाएगा ना। जी, आइंदा मैं उनसे कम बात किया करूंगी। और हाँ, खबरदार जो तुमने उसको मेरी शिकायत की,
उसको बताना नहीं कि मैं घर का पूरा काम करवाती हूँ तुमसे, और ये तो हरगिज मत बताना कि जिस दिन उसके दोस्त आए थे खाना तुमने बनाया था। जी। और अभी काम बहुत बाकी है, कपड़े इस्त्री होने, और माली एक हफ्ते से आया नहीं, लॉन में सारे मेरे पौधे मर गए हैं, पानी तो दे दो। जी। ये सब काम ना आहत के आने से पहले जल्दी जल्दी कर देना ताकि उसे पता ना चले। चलो चलो, टाइम नहीं है। सुलग रही है धड़कने, है चल रही है सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आँख की। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। अशा, अशोक इस जेवर का है जो तुम्हारे भाई ने दुबई से तुम्हें लेकर दिए थे। आपके बहुत पास है, मैं भी और जेवर भी। अच्छा बताएं कैसी लग रही हूँ? उतारो इनको, उतार के मुझे दो। इनके बगैर अच्छी लगती हो, सीधी सादी सी, ज्यादा प्यारी लगती हो। लो शाबाश लो। अच्छा, सबको तुम पहनती हो, अजीब लगती हो, इतनी भरा भरा सा। लेकिन मैं इनको डब्बे में रख देती हूँ ना संभाल के, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, कहीं घूम ना हो जाए। हुमायूं, हुमायूं अब ये मेरे हैं, आज एक बहुत जबरदस्त बाजी है और मुझे हर हाल में जीतना है। और इस बाजी को जीतने के लिए अगर मुझे तुमको भी बेचने की नौबत आई ना, बेच दूंगा। लाओ ये टॉप्स, जल्दी शाबाश दो दो, ये कंगन भी दो। बार बार बोलता रहूंगा, लाओ दो। मायूं प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? ये वाला भी दो, अब अच्छी लग रही हो तुम। ऐसे रात सुलग रही है धड़कने, है चल रही है सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आँख की। आओ बैठ के बात करें, वापस भी जा रही हो? कुछ रास्तों से वापस चले जाना ही ठीक है, इन पे मीलों भी चल लो ना, कुछ हासिल नहीं होता। ये हमें कुछ भी नहीं देते सिवाय थकन और मायूसी के। अभी तक मायूस भी मत हो, चुकी चढ़ से अब तुम इतनी खूबसूरत हो। क्या फायदा तुम्हारी आंखों में जचूं तो मेरे वजूद की कोई वजह हो ना। अच्छा तुम आओ तो सही ना, कम ऑन। छोटे छोटे गेम्स खेलकर मैं थक गया, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। वैसे भी ऑफिस में ऑडिट शुरू होने वाली है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए बॉस।
हुमायूं थोड़ा वक्त से आगे चलता है। नताएज, खतरे, रिस्क पर इन सबको देखता है फिर कोई चाल चलता। और वैसे भी ऑडिट अपने हाथ में, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस ये चाहता हूँ कि दाऊद के बिजनेस से थोड़ा हट के कोई बिजनेस करो, ताकि उसके सारे फाइनेंशियल्स मेरे अंडर हो। Sorry for the last night. पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्यों इतना गिर गई थी। Come on है, तुम्हें guilty feel करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं खुद जोया के पीछे ख्वार होता रहता, मैं तो बुरा नहीं मानता। मगर तुम ऐसा क्यों करते हो आप? ना तो जोया कोई गैर मामूली हसीन है, ना कोई शौख चंचल हसीन है, जिसकी वजह से तुम दुनिया की सब लड़कियों से नजर फेर लेते हो। नजर की बात है, मुझे तो वो बहुत गैर मामूली लगती है। वैसे भी तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उसे अपनी नजर से देख रही हो, मेरी नहीं। तो एक को सराहने के लिए, उसके इश्क में तड़पने के लिए तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। हाथ का मतलब एक जोया के दरबार हुस्न में इश्क का नजराना पेश करने वाला एक सच्चा आशिक। लगता है मौलाना रूमी के कलाम ने सीधा तुम्हारे दिल को जाके असर किया। लेकिन एक बात याद रखो, इश्क इंतहा सिर्फ तबाही तपिश है, और राख यही तो मेरा सरमाया हयात होगा। परवाने को अपना अंजाम बखूबी पता होता है, लेकिन फिर भी उसकी दीवानगी उसे शमा की तपिश के करीब ले ही जाती है। मैं अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ हूं और मैं इसी में खुश हूं। जिब्रान, तुमने अच्छा नहीं किया ये जबरदस्ती मेरे यहाँ पार्टी रख के। मैं तो तुम लोगों से मिलना भी नहीं चाहता यार, पता है मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अपने घर में बैठे हो, चार दिन जब हवालात में डंडे खाओगे ना पुलिस वालों के, इंसान बन जाओगे। पागल, सुकून से चिल कर रहे हो, खेलो गेम। उन्होंने आयशा को दफना तो दिया होगा ना? बहुत पाक औरत थी, उसकी मैयत की बेहुर्मती नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं उसके लिए दुआ करता हूं। तुम लोग भी हाथ हाथ उठाओ, दुआ दुआ करो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो। आशा संभालो अपने आप को। क्या इसका दिमाग खराब हो गया क्या? समझाओ इसे, या हम खेलने आए या इसकी बकवास सुनने आए हैं? काम लो, लेके जाओ इसे। तुम क्या लो मेरे साथ? आशा ले जाओ, लॉक कार्ड्स मुझे ले जाओ।
चलो दुआ दुआ करो। Dad, I remember आप और अम्मो अक्सर डांस किया करते थे। हाँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज हैं। ये बुड्ढा सेंटिमेंटल होकर कहीं दूसरे शादी का ऐलान ही ना करता। उसको अपना माजी कुछ ज्यादा याद आ रहा है। वहीं अपना बत्ता फेंक फटाफट। अरे फजल खुदा दे वास्ते पंजाब नहीं है पानी नहीं है सिंध छोड़ दे अब बंद कर जाके। खुदा हाफिज़ अम्मी। आहत बेटा कहाँ जा रहे हो? उड़ते हुए निकल जाते हो, इधर आओ बात करो मुझे। भाई अजनबी से बात करने का तो बहुत वक्त होता है तुम्हारे पास, नमाज से दो मिनट भी बात नहीं कर सकते, कितनी बुरी बात है। बैठो चलो। अम्मी वो पराई नहीं है, मेरी बहन है, आपको तो अच्छी तरह पता है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी बहन होनी चाहिए जिसके साथ मैं बातें करूं, लड़ूं, झगड़ूं, अपनी सारे सीक्रेट शेयर करूं। और देखें, खुदा ने मुझे पली पलाई बहन दे दी एज अ गिफ्ट। कब तक बेटा, पता है कोई पूछते पूछते ना इस घर तक पहुंच जाएगा और उसे ले जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, है ना? अच्छा अम्मी, मैंने आपसे थैंक यू भी कहना था। मुझे उन्होंने बताया कि आपने उन्हें कपड़े दिए हैं एज गिफ्ट और खुद अपने हाथों से शेक्स बना के पिलाए हैं। थैंक यू मॉम। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही हूँ दो दिन से, लेकिन तुम काबू में ही नहीं आ रहे मेरे। मैं दाऊद भाई के गई थी तुम्हारे लिए जोया का हाथ मांगने दोबारा। अब देखना बहुत जल्द ना वहां से हाँ आ जाएगी, बस तुम तैयार रहना। लेकिन अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो वो पहले पसंद ही नहीं थी, वो तो बहु मटेरियल है ही नहीं। पुरानी बात है ना, अब वो बदल गई है, अब उसका गुस्सा भी कम हो चुका है ना। कितने प्यार मोहब्बत से बात करती है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद आती है मिलने हमसे, है ना। और उससे तो उन बच्चियों से हया और मरियम से भी दोस्ती कर ली। अब तो हालात बदल गए हैं ना बेटा। और वैसे भी क्या मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी की खुशी कहाँ है, उसकी ख्वाहिश क्या है? अम्मी बच्चे तो माओ से चांद की फरमाइश भी कर लेते, लेकिन जरूरी नहीं कि चांद मिले उन्हें। मेरे केस में तो चांद ने अपनी चांदनी मेरे सहन पे ना बिखेरने की कसम खाई हुई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जोए की दुश्मनी मुझसे थी ना, मुझसे खफा थी अपनी फूफो से, तुमसे तो खफा कभी नहीं हुई ना वो। और अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने बच्चे के लिए ना मैं उधर जाके भीख भी मांगूंगी। तुम देखना भाई ना मुझे मायूस नहीं करेगा और जोया भी मुझे मना नहीं करेगी। तुम बस खुश रहो, ठीक है? चलो कोशिश कर लें अम्मी, लेकिन प्लीज आखिरी कोशिश कीजिएगा, इसके बाद नहीं। वैसे मुझे अभी जाना भी है मामू जान से मिलने, की तबीयत बेहतर हो रही है, का प्लास्टर भी उतरना है आज, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी अरेंज करना है। मैं चलता हूँ फिर। शाबाश, मेरा सलाम देना उनको। हाँ खुदा हाफिज़। फजल कहाँ चले गए हो? ये आदमी आधा काम छोड़ के चला जाता है। क्या है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सारी खवातीन इस सेलो के पीछे क्यों इतना ख्वार होती हैं। इतनी सारी खवातीन एक छोटी सी दुकान में ऐसे अटैक करती हैं जैसे लॉन नहीं कोई हलवा बट रहा है। मैंने सिर्फ चार अदर ड्रेसेस लिए, तुम कुछ ज्यादा ही जलील कर रहे हो मुझे। बस चार? अच्छा यू नो व्हाट, यहाँ का थाई सूप बहुत अच्छा है, प्लीज ऑर्डर फॉर मी। चलो ठीक है। हेलो, कोई है यहाँ पे? कोई ऑर्डर लेगा? तो खुद ही आ जाएगा।
मेरे ख्याल से आहत हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ अजीब सा क्राउड नहीं है यहाँ पर? क्या हुआ, सब ठीक है? लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं होती कि किस जगह पर आकर किस तरह से उन्होंने बिहेव करना होता है। मैं बाहर तुम्हारे इंतजार कर रही हूं। मायो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। डॉक्टर साहब, हमारी किस्मत है कि आपसे मुलाकात हो गई। मुझे कैसा लगा अपने हाथ से अपनी जिंदगी को जाते हुए? समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जानता हूं कि सोया हमारी जिंदगी है, लेकिन क्या करूं, उसके बगैर जी नहीं लगता मेरा। मुझे लगता है तुम सिर्फ इसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि जरूरत दिखाई देती है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम उसे हासिल करके किसी शेल्फ में रख दोगे, लेकिन मैं दुआ करता हूं ऐसा हो ना। दुआ दो या बददुआ दो, ये तुम्हारे ऊपर है। उस वक्त अहम बात यह है कि उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है और तुम्हारे लिए हमदर्दी है, और हमदर्दी भी क्या तरस खाती है तुम पे यार। बाहर वेट करिए मेरा, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तो बड़े खुशकिस्मत है वैसे कि उसको भुलाने के लिए हया जैसी इतनी ठीकी बंदी का साथ दिया। जैसे क्या बात है, वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो। You're mentally sick. अपनी इस sick mentality के साथ मेरे सामने दोबारा मत आना। हाँ, सोया से मैं मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, इसलिए अब मुझे उसकी फिक्र ज्यादा होने लगी है, कहीं वो खुद को किसी गन में ना धकेल दे, क्योंकि यू डोंट डिजर्व। रोक सकते हो तो रोक, बिल्ला चैलेंज दे रहा हूं। मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें वो दवा बनाने की जरूरत है जो उसकी रगों में मेरे लिए मोहब्बत काम कर दे और तुम्हारे लिए तड़प बढ़ाते हैं। अरे डैड, आप लेके आए हैं मेरी चीजें यहाँ पे, और नीचे सुल्ताना भी गई थी कि सब कुछ चोरी हो गया। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने सबको बातें सुना दी, एंड लिटिल डिड आई नो कि चोर तो यहाँ बैठे। अब अगर चोर को पकड़ लिया है तो उसको चोरी के पेंट्स के साथ पेंटिंग करने दो, कुछ ना कुछ तो बना लेगा ना। वैसे डैड, आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना रिलैक्स्ड और काम नहीं देखा। व्हाट्स अप? ठीक है, बस मेरे कान में बता दें, किसी को भी नहीं बताऊंगी। बताएं। कैसी लग रही है मेरी पेंटिंग? वाह मायू, तुम तो एक ही सीढ़ी से 99 तक पहुंच गए, अब मुझे कोई भी सांप 0 तक तो नहीं लेके जा सकता। मंजिल 100% मेरी है। इसको तुम रिटायरमेंट नहीं बल्कि प्री रिटायरमेंट समझ लो।
वैसे भी मैं तंग आ गया था। हर वक्त पैसे बनाते रहो, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो, पैसे की दौड़ में दौड़ते रहो, पैसे की हवस, आई वाज फेड अप। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दे दिया है कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरा दिल आज पेंटिंग करने को कर रहा था, तो मैं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डांस सीखना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं अफ्रीका के जंगलों में जाकर वहाँ के अजीबो गरीब फूल देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डांस एंड आई वॉन्ट टू सिंग एंड आई वॉन्ट टू डांस एंड डांस एंड डांस। बस ये मेरा बस पाँव ठीक होने दो, फिर तुम देखो कि क्या होता है। आई विल ट्रेवल। थॉट आई रिमेम्बर आप और अम्मो अक्सर डांस किया करते थे, है ना? मैं चुप चुप कर आप दोनों को देखा करते थे, कितने अच्छे दिन थे ना। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज हैं। तब सना बीमार नहीं थी, मैं उससे मोहब्बत करता था और मैं इतना खबीस नहीं हुआ था तब। शादी के वो 8-10 साल दे वो लाइक हनीमून, कभी नहीं भूल सकता उन दिनों। और अब देखो कि हम बाप बेटी कितने मजबूर हैं कि चाहते हुए भी सना को वापस नहीं बुला सकते। ये बुड्ढा सेंटिमेंटल होकर कहीं दूसरी शादी का ऐलान ही ना करते, उसको अपना माजी कुछ ज्यादा ही याद आ रहा है। वहीं अपना बत्ता फेंक फटाफट। मैं अपने भाई से अहद के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, वाओ, दैट्स न्यूज़ फॉर मी। अच्छा, तो आप अहद और जोया के रिश्ते के ख्वाब देख रही हैं? मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे बेटे से मेरे दामाद बन जाओ। रो रहा है दिल। सॉरी अगर आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया। आओ आओ बेटा, आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, कैसे हैं आप सर? मैं बस जितना इंसान ठीक हो सकता उतना ठीक हूँ। हाँ जरा यहाँ पे आहिस्ता से, बड़ा दर्द है। परवीन तुम क्यों आई हैं? मेरे भाई का घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। मुझे तो यह सवाल तुमसे करना चाहिए, तुम तो उसकी बेवा साली हो ना, यहाँ क्या कर रही हो, कब जाओगी वापस? बहुत जल्द, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जोया की एंगेजमेंट के बाद ही जाऊं। और ये जो आप बात कर रही हैं कि आपके भाई का घर है, तो मेरी बहन का भी घर है, वो भी बराबरी से। अगर मर्द पैसे कमा के मकान बनाता है, तो औरत भी तो प्यार और सलीके से उसे घर बनाती है। मियां बीवी दोनों का घर होता है ना फरीदा डियर। जोया की अम्मी के बारे में इतना सुना है कि मुझे अपनी सगी माँ याद आ गई।
अंकल मैंने सोचा है कि एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाओ उनके नाम का। सना वेलफेयर ट्रस्ट। सोचा था कि जोया को सरप्राइज दूंगा, बट अब वो मौका नहीं रहा। 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उनके नाम पर एक बिल्डिंग भी ले लिया। अगर एक नजर आप देख लें तो। बेटे मैं देख कर क्या करूंगा, तुमने बनाया है, इसमें फ्लॉ हो ही नहीं सकता। मैं तुम जैसी औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। मैं अपने भाई से अहद के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। वाओ, दैट्स न्यूज़ फॉर मी। अच्छा, तो आप अहद और जोया के रिश्ते के ख्वाब देख रही हैं? मजबूर हूँ, क्या करूँ? मेरा बेटा डॉक्टर है, लड़कियों की लाइन लगी हुई है उसके पीछे, लेकिन क्या करूँ, उसका दिल आ गया इस लड़की पे, तो यहाँ तक मैं आ गई हूँ रिश्ता मांगने। वरना मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाऊँ। अरे, एक तो इतनी बदतमीज, ऊपर से उसकी माँ हराम की मौत मरी है, कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा? बस कर दें, अपनी बहन के लिए और बकवास नहीं सुनूंगी, चली जाएं आप यहां से। और जोया पे भी एहसान फरमाने की जरूरत नहीं है आपको, जोया का रिश्ता तय हो चुका है हुमायूं अली से। तमाशा करने की जरूरत नहीं, वो आया हुआ है ऊपर। इससे पहले कि सबको आपकी असलियत पता चल जाए, निकल जाएं आप यहां से। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती? मेरे भाई का घर है, मैं अपने भाई से बात करके ही जाऊंगी, समझी तुम? जाओ तुम। बेटी, तुम्हारे इंतखाब पर फख्र है मुझे। तुमने ऐसा लड़का चुना है जो तुमसे ज्यादा तुम्हारी माँ के बारे में सोचता है। देखो बेटा, मुझसे पिंकी ने भी तुम्हारे बारे में बात की है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे बेटे से मेरे दामाद बन जाओ। तुम दोनों को ये रिश्ता मुबारक हो। थैंक यू अंकल। आज के बाद मैं चैन से मर सकूंगा, खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अब वो मुझे उठा भी ले तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। जीती रहो बेटा, अल्लाह करे तुम दोनों को बहुत खुशियां मिले, एक बड़ी ही खुश और मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारो। रिश्ता पक्का कराएं आप जोया और अहद का? आंखें बंद करने से ना हकीकत तब्दील नहीं हो जाती, तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है। अच्छा होगा अगर इस हकीकत को तुम तस्लीम कर लो। अगर आप अपने काम से काम रखें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ख्वामखा की फिक्रें जमा करने से ना 100 बीमारियां हो जाती हैं फरीदा। डियर,
जोया और हुमायूं का रिश्ता पकड़ करके तुम्हारे दिल में ठंडक आ रही है क्या? हाँ, पुराने बदले उतार रही हो तुम। ठीक है, यूं समझना है तो यूं ही सही। आई डोंट केयर। मेरे बेटे में क्या खराबी थी? जहीन है, हसीन है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। मैंने उसकी तरबियत पे कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर तुमने और भाईजान ने उसको क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि let me think, वो आपका बेटा है, फरीदा हमदानी का। जो सलूक आपने मेरी बहन के साथ किया था ना, पता नहीं मेरी जोया के साथ क्या करती हैं आप। तुम एक बात भूल रही हो, मैं जोया की फुप्पी हूँ, मेरा खून है, मेरे बेटी की पसंद, और पसंद ही नहीं, मेरे बेटी की मोहब्बत है। मैं तो उसको अपनी पलकों में रखती। नहीं नहीं नहीं, आप खुद गर्ज है फरीदा। ये जो सब आप कह रही हैं ना, ये आहत की मोहब्बत में कह रही हैं, जोया की नहीं। अगर जोया को आप अजीज रखती ना, तो उसकी पसंद को खुले दिल से कबूल करती, जो कि हुमायूं अली है। खुदा हाफिज। क्या कर रही हो? एक तो घर में घुसते साथ ही ना तुम्हारी मनहूस शक्ल नजर आ जाती है मुझे। चली जाओ यहां से, दुआ के वास्ते चली जाओ। वहां नहीं महारानी, किचन में। खाना कौन बनाएगा रात का? और सुनो, मुझे एक ग्लास पानी ला दो। दो हफ्ते की फिजियोथेरेपी रेकमेंड करूंगा आपको। उनके दो तीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेरे नजर में, जिनको मैं आपके पास भेज दूंगा। डॉक्टर आहत, मैंने भी तो फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है, पूरे 3 साल का। आप मुझे ये ड्यूटी दे दें प्लीज। हाँ हाँ बेटा, ये रोजी तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई हुई है। हाँ। इसको एक्सरसाइजेस वगैरह सिखा दो, ये कराती रहेगी मुझे। भाई मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। जी जी। आप इनका ब्लड प्रेशर रेगुलरली नोट तो करती है ना? जी 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 डॉक्टर। जो मेडिसिन ये ले रहे हैं, अगर वो टाइम पे भी ले रहे हैं, तो इनका ब्लड प्रेशर ऐसे शूट नहीं करना चाहिए। दिखाएं मेडिसिन कहाँ हैं। जी डॉक्टर जी। तो ठीक है जी जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी वो आप जोया के घर गई थी ना डॉक्टर साहब का रिश्ता मांगने के लिए, तो मेरा मतलब है कि कोई बात बनी? उन्होंने मना तो नहीं किया? मैंने डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुआएं की। तुम्हारी दुआएं अगर काम आती ना, तो तुम यहाँ पे ना हमारे सर पे नहीं नाच रही होती, अपने शौहर के साथ अपना घर आबाद रखती। वैसे कोई नहुसत तो है तुम्हारे शोहर ने जो तुम्हें निकाल दिया घर से, और वो ही नहुसत ना तुम इधर लेके आई हो, और अब इधर डेरा जमा दिया तुमने। नहीं ऐसी बात नहीं है, बाज लोग धुतकारे जाने के लिए पैदा होते। ये लो, अरमान लेके मैं अपने भाई के घर गई थी, उसने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। अरे क्या क्या सोच के गई थी, और वहां गई तो वहां का तो निजाम ही कुछ और था, और वो पिंकी
बदतमीजी की उसने मेरे साथ, मेरा तो खून ही खौल गया। तोबा तोबा तोबा, लेकिन जब अपना ही सिखा खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। दफा कर। हुआ क्या, आप मुझे बताइए ना प्लीज। अरे क्या होना था, दाऊद ने अपनी कब्र खुद खोद दी है। जोया का रिश्ता ऐसे लड़के के साथ तय कर दिया है जिसके ना माँ का पता है ना बाप का पता है। रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। आपसे रिश्ता है।